एक बड़ी जबरदस्त सी न्यूज शेयर करनी है। अब आज का सीन ये है कि अभी मामा बना रही है नाश्ता, ये ऑफिस से आया था बाजार से सामान, में भी सारा सामान आ गया। कुछ रहा तो नहीं? नहीं। शेफ शुक्रिया, आज हम इसी में खाना खाएंगे। ओ माय गॉड, टेस्ट रहा। यहाँ मैं बना रही हूँ अपना, हाथ तो ना लग सके। चलो भाई, अभी बताया इसने मुझे। चेन कहाँ तेरी? मैंने तो आके रखी है। कहाँ रखी है? प्लीज मुझे नहीं पता। मैंने लाख सवा लाख रुपए दी सी हूं, नेक्स्ट टाइम तो 2-2.5 लाख रुपए दी होनी है। मां मुझे घूम गई है, मैं क्या करूं? सॉरी, आप नानो की कसम, प्लीज मुझे ना मुझे नानो की कोई कसम नहीं। सॉरी 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 Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसे आप सब लोग सोचते होंगे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पिछले कुछ अरसे से ना व्लॉग्स बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। इनफैक्ट एक वीक में एक वीडियो भी अपलोड हुई है, बस कुछ दिन मारे चल रहे थे। खैर, वक्त तो गुजर ही जाता है कैसा भी हो। तो अब आज का सीन ये, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि घर में हो क्या रहा है, फिर आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ शेयर करनी है। खैर, तो इस टाइम पे अभी मामा और जिक्रिया आए हैं बाज़ार से कुछ शॉपिंग वगैरह करके। वो इसलिए कि खैर से कल हमारे घर में कुरान खानी है, तो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेकर आनी थी वो लेके आए हैं। और खैर से हम शाम को 4 बजे तो नाश्ता कर रहे हैं। ये देखें भाई, नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देते हैं। मैंने आपको नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फैंस, थैंक यू सो मच। देख सकते हैं माय ऑल फैमिली, माय ऑल फैमिली, माय फैमिली मेंबर, माय लव, माय लाइफ, माय कुछ भी। चुप कर बे। अब आज का सीन ये है कि अभी मामा बना रही है नाश्ता, ये ऑफिस से आया था बाजार से सामान, में भी सारा सामान आ गया। कुछ रहा तो नहीं? नहीं भाई, मेन्यू में क्या है ये तो अब कल ही पता चलेगा। और अभी बहुत से आइटम है, अभी यहाँ पे पक रहे हैं पराठे और अंडे। तुम ये छोड़ो और जल्दी कर सालन गरम का, चल। ये जिस काम के लिए इस घर में पाल रहे हैं ना, जिस तुम्हें जिस काम के लिए हम इस घर में पाल रहे हैं ना, वो काम पूरा करो, चला जा। जितने तुम अंडे लेके आए, मुझे लग रहा है कल के मेन्यू में सिर्फ अंडे ही हैं। आए 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 आए। अच्छा जी मामा, सारा घर मैं इमेजिन करो ऐसे करके ऐसे। मामा मामा जी ना, तो अभी आप फटाफट चलते हैं, जिक्रिया को कहते हैं, जिक्रिया चल के सालन गरम करता है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को एक जबरदस्त सी बात बताती हूँ। गरम करो तो मैं जिस काम के लिए घर रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बताती हूँ। तो आज का सीन कुछ इस तरह है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ना शुरू से चेन गले में पहनी हुई है। तो अब ये मैं चेन जो है ना, ये मैं उतार के ना इसको कहीं छुपा दूंगी, और मामा से मैं कहूँगी कि मुझे पता ही नहीं किधर चली गई है, मैं तो सुबह से इधर फिर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आई कि किधर चली गई है। खैर, मैं सुबह यूनिवर्सिटी भी गई थी, वहाँ से मैं जल्दी आ गई थी, तो मामा को यही डाउट होगा कि ये कहीं ना कहीं गिरा आई है। मुझे पता है मामा और जिक्रिया इससे बड़ा परेशान होते, क्योंकि उनको पता है ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने कभी भी नहीं उतारी। लेकिन देखते हैं, थोड़ी देर बाद इनको बता दूँगी, ज़्यादा इनको पैनिक नहीं होने देना। ये मैंने उतार लिया, इसको मैं खोल लिया, ये देखें भाई, इसको अब मैं किसी ऐसी जगह पे छुपा दूंगी जहाँ पे कम से कम मामा और सिक्रिया के हाथ तो ना लग सके। चलो भाई, इसको अब हम छुपा देंगे और फिर इसके बाद मामा और सिक्रिया का रिएक्शन देखते हैं कि इन लोगों का क्या तासुरात होता है। मुझे पता है इन लोगों ने एकदम से क्या कहाँ गिरा दी, तुमने बैठे बैठाए इतना नुकसान कर दिया। इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे सामने। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज़ गुम जाए ना, तो आप दराज वगैरह में तो देखते हो कि यार मिल नहीं रही, बट आपके सामने पड़ी चीज़ ना आपको कभी भी नज़र नहीं आती। तो खैर, अब चलते हैं और इन लोगों को बताते हैं, देखते हैं ये खुद नोटिस कब तक करते हैं। अब सब सेट है, अब मेरे गले में बिल्कुल भी चेन नहीं है, चलते हैं। बर्तन लगाओ, चलो। क्या बर्तन लगा, जल्दी कर। नजर नहीं आ रहा कि सहर व्लॉग शूट कर रही है। ओए तू बाहर में जा, चल बर्तन लगा। मास्टर शेफ शुक्रिया, आज हम इसी में खाना खाएंगे। ओ माय गॉड, टेस्ट करके बता सकते हैं। शुक्रिया, गरम गरम नहीं मुंह में डालते। वेरी टेस्टी, अभी ठंडा है तो खाते हैं। इसके ड्रामे नहीं खत्म हो सकते। खैर, अभी मैंने तो ऑमलेट खाना था भाई, मैंने सालन के साथ साथ, मामा मैंने ऑमलेट लेना है साथ। बेटा तुम साथ इंस्टेंट पराठा फ्राई करो। क्या दूसरा पराठा नहीं दे सकते? तुम इंस्टेंट पराठा फ्राई करो। हाँ, इंस्टेंट पराठे भी मैंने कहा साथ फ्राई कर लेते हैं 2-3, जब जैसे जैसे भी है गुजारा करते हैं। आटा ही खत्म हो गया यार, मम्मा आटा तो गूंद के रखना था। अच्छा बेटा, कल मैं ना एक पतीला गूंद के रख लिया।
मम्मा एक मशीन है आटा गूंदने वाली, उसके अंदर आटा डाले रोटी बाहर आ जाती है। मैं आपको वो मशीन ला के दूंगी, बस थोड़े से पैसे। मम्मा को उनकी बर्थडे आ रही है मम्मा की नेक्स्ट मंथ, उनको मैंने सोचा वो मशीन गिफ्ट करनी है, उसमें से रोटी पक के बाहर आएगी, मसला ही खत्म। नेक्स्ट मंथ नहीं आ रही, उससे नेक्स्ट मंथ आ रही है। मम्मा झूठ बोल रही हो, झूठ बोल। हम लोग बना रहे हैं इंस्टेंट पराठे, क्योंकि एज यूजुअल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। यार ये भी अच्छी चीज है, ये घर में जिस घर में रोटी, मेरे जैसी लड़कियां जिस घर में हो ना, वहां ये किसी नेमत से कम नहीं है। मामा हमने देखा नहीं आपके आने तक, मैंने शावर भी ले लिया। हाँ जी, मुझे सिर्फ आपने शावर ही, मेरे बाल देखे फ्रेश लग रहे। हाँ जी, मैंने बेटा वही तो बताया, सिर्फ आपने शावर ही लिया, बाकी एक भी चीज नहीं ली घर से। हाँ जी, मामा ने नोटिस ही नहीं किया। खैर चलो भाई, पराठा फ्राई करते हैं, फिर बाहर चल के खाते हैं इनके। सो गाइस, मामा ने तो नोटिस नहीं किया। खैर यहाँ मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट ऑमलेट, ये मुझे बड़ा ही पसंद था, ये मैं बड़े शौक से खाती हूँ। ये मैं ऑमलेट का भी मसाला तैयार कर रही हूँ, फिर इसमें जाएगा ऑमलेट, फिर नमक मिर्च, और फिर ये बहुत मज़ेदार बनेगा। खैर जब तक मैं खाती हूँ, शायद खाना खाते वक्त मामा की नज़र पड़ते, मुझे उम्मीद नहीं है, वो सुबह से नोटिस ही नहीं कर रही है। गाइस फाइनली अब मेरा ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। ओए होए होए होए, यहाँ इसने खाना शाना खा लिया है, ये मज़ेदार है ना, A1। आजो चलें अब खाना खाते हैं। गाइस मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद मैंने खाना भी खा लिया, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी की नज़र ही नहीं पड़ी है। खैर अब मैंने इसका एक सलूशन ढूंढा है, मैं जाके ज़िक्रिया को बताती हूँ, क्योंकि ज़िक्रिया तो है ढोल। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको बताना ना, उसने जाके पूरे घर में ये ढिंढोरा पीट देना कि उसकी चेन टूट गई है। अभी बताते हैं ज़िक्रिया, ये बंद कर। हाँ बोल ना, एक बात बतानी है तुम्हें। हाँ बता। मामा को ना बताई। यार जल्दी बोल, टाइम नहीं है। मामा को ना बताई। नहीं मैं बताऊंगा। ना बताई यार। अच्छा बता, सही है क्या? यार मेरे साथ ना थोड़ा हेल्प कर दे, थोड़ी सी मेरी चेन नहीं मिल रही है। कौन सी चेन? प्लास्टिक की चेन? यार वो मैं गोल्ड की चेन जो पहनी हुई थी वो नहीं मिल रही है। दफा हो जाके अंदर, दफा हो, तुम मजाक करने आ गई। मजाक नहीं कर, मजाक के टाइम में यार मुझे नींद आ रही है, मैं सुन लूंगी। यार मैं काफी देर से ढूंढ रही हूं। खैर मजाक मत करो या फिर दफा हो। अच्छा बस चलो ठीक है, बस अब किसी को बताना ना। नहीं दफा हो, अब गई बात, अब पूरे 5 मिनट में उसने जाके बता, पता नहीं किधर चली गई है, मैंने इधर ही रखी थी, मैं तो ढूंढ रही हूँ। क्या ड्रामे कर रही है सर, तो अभी तो मैं बखरे तुम ड्रामे कर रही हो, क्या ड्रामे लगाए हैं तुम? दैट यार कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर अकेला छोड़ दूँ। जाओ यार, मम्मे के लेटर के अंदर फाइंड कर दिया ब्लॉक का टैंड होगा, वी आर वाला फाइंडिंग इन मम्मे लेटर से हैज गोल्ड चेन। खैर अभी थोड़ी देर के लिए मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह से स्ट्रेस लिया काफी, तो फिर बकवास करी जा रही है। तुम्हारे चेहरे भी तुम्हारे बैग से निकाल के देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं मैं खोलूंगा सामने पूरी देख, तेरा बैग किधर है? तेरा बैग ये रहा, तेरा बैग इसमें होगी, क्या बकवास लगाई है सर, इसमें होगी, देखना देखना इधर ही कहीं होनी है, बिल्कुल भी नहीं है, तो खाली है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूंगी। गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है यार, बैठी है वाकई अल्लाह कसम, और अभी बताया इसने मुझे चांड शांड कराओ इसके मुंह पे। मामा मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? मामा मैंने क्या हुआ, क्या क्या हुआ है? बेच बूझ के मैंने पैसे कर लिए।
अरे हम तो फकीर आदमी है। हरकत वो कभी भी नहीं कर सकते। मम्मा मैं आपको बता रहा हूँ ये बेचिए जाके आईफोन 14 प्रो मैक्स, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने सच बोला, लाइट आ गई, देखो लाइट लाइट आ यार, चंडे शंडे कराओ इसे। ये मम्मा ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बेच के आईफोन 15 प्रो मैक्स ले आई होनी है, 14 प्रो मैक्स नहीं। मम्मा इसने आजकल नहीं कहा था फोन में, इसने प्लीज मुझे नहीं पता। मैं माने आप सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना मम्मा से। अगर तुम तो कोई प्रैंक कर रही हो या मजाक कर रही हो तो तुम ये सोच रहे हो क्यों बना रहे हो यार। मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर डालूंगा तेरे जेरी कार्ड से, बड़ी इज्जत है ना। माने तुम ये सोच रहे ना, अगर तुम प्रैंक कर रही हो तो मेरी जूती और तुम्हारा सर होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो किधर गिरी है, कब गिरी है, लास्ट टाइम कब देखी है तुमने इससे पूछे। मैंने माल रोड पे देखा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, विकास लेने जा रहा था, तो माल रोड उसने आने की दुकान में खड़ी थी, मैंने देखा था इसे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो अल्लाह का वास्ता, सच बता दे प्लीज। मम्मा इसने प्रैंक किया, ये प्रैंक कर रहा है आपके साथ। ओ, मैं पागल हूँ मैं आपसे मम्मा, आपको मेरी एक मिनट, आपको खुद ही पता लग जाता है। आप दोनों मेरी आंखों में देखो, अगर मैं हाथ पड़ा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा चलो मेरी आंखों में देखो, ये लो हंसो बस मानो सच बोल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बेच है, ये गोल्ड मैंने सुभान ज्वेलर्स में मैंने इसे देखा था, वहाँ ये खरी थी। मैंने आपको बता रहा हूँ ये अपना फोन बेच है, ये चेन बेच है। सच्ची बता प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज अल्लाह का वास्ता दिल बैठा जा रहा है। हाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहाँ कहाँ कोई सेंस है इस बात की? मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे नहीं पता, प्लीज आप चुप करो। चलो मम्मा ठीक है, ऐसे नहीं पता, चल कुछ हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सच बता दे मम्मा, एक दो लगाओगी तो पता लगेगा। नहीं पता मम्मा, मुझे गुम गई है, मैं क्या करूँ। मानो तुम्हें पता है वो कितने की ली थी? और क्या 50 रुपए की ली थी, मुझे प्लास्टिक की चेयर। मानू लाख सवा लाख रुपए दी सी, हूं इस टाइम तो 2-2.5 लाख रुपए दी होनी है। मम्मा मुझे गुम गई है, मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी, कैसे गुम गई मेरी है, पापा को क्या जवाब देना। क्या बात है सर, क्या बात है, तुम्हारी चीज गुमी है तो मैं उनको बताऊंगी नहीं। जाओ बताओ फिर जाके यार। जिक्रिया पापा को कॉल कर, फोन ला, फोन ला, पापा को फोन ला। अच्छा मानिया अब टेंशन मत ले, मैं कुछ देखती हूँ, मैं अभी सोच के। क्या देखती हूँ आप यहाँ पे प्राइम वो के? मैं मुझे नहीं बता सके, इस पर मेरा अपना सर घूम रहा है, मैं अभी पापा से खुद ही बात करूंगी। आप लोगों आप दोनों में से किसी ने पापा से बात नहीं करनी? नहीं मैं तो भी करना करूंगा पापा से जाके बात। अच्छा मेरा बता चुप कर, मत चांडे लगानी चाहिए आपको, मैं यहाँ अपना फोन घुमा के आपको आ जाती हूँ। अच्छा वो जान के तो नहीं ना घुमाएगी इतनी महंगी चीज। रुको जरा सबर करो, जान बेचाई है, सिंपति ले रही है, बेचाई है। मुझे पता लग गया था जब तुम यहाँ ऐसे करके ऐसे करी थी ना, मैं अभी प्रैंक करती हूँ उनके साथ कि चेन घूम गई है, तुम्हें तभी पता लग गया। मामा की तबीयत खराब हो जानी है, मुझे लगता है मामा पाई बैठ के रो रही हैं। चलो मामा को बता देते हैं, रुक रुक चेन तो निकाल लो। देखिए ना मेरे मामा को ये नहीं बताते प्रैंक है, मामा बहुत सीरियस हो गए हैं। मामा ने ना मारना शुरू कर दिया, मामा को कहते हैं नहीं पहनी, मैंने क्यों नहीं पहनी। चलो 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 चल चल आ जा, चल चल ले। मामा क्या कर रही हो यार? मामा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामा, ये आपके पापा को कॉल कर। मामा ये चेन मिल गई है। क्या मम्मा ये चेन पता नहीं कहाँ पे पापा, उधर भी उधर मेरे में, मैं जहाँ से उठी हूँ इधर देख जिक्रिया, इधर वो जहाँ से मैं उठी हूँ वहाँ पे पड़ी। मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो, जिक्रिया ने रखी हुई थी, जिक्रिया अल्लाह की, मम्मा अच्छा नहीं अल्लाह की नहीं मम्मा जी, जिक्रिया मैं तुझे कहा था मेरे साथ ये प्रैंक नहीं, मैंने प्रैंक नहीं किया जिक्रिया के पास, बकवास ना कर, अपनी तरफ कैमरा करो जरा, तुम्हारे पास थी चेन? नहीं मेरे पास नहीं थी मम्मा, इसके पास थी। मैं पागल हूँ मानू, वो क्यों पकड़े? अच्छा सॉरी मम्मा, अच्छा सॉरी, अच्छा पक्का सॉरी, आप नानो की कसम प्लीज, मुझे नानो की कोई कसम प्लीज, आप नानो की।
निशाने नहीं पक्का आपका के बाद यही कहती है ये। तुम तो इसके साथ नहीं मिले और नहीं मैं सही दसी मैं नहीं मिला था मैं ठीक है मुझे सही बता तू तो तू तो ना इसके साथ मम्मा इसको पता था इसको पता था आपकी कसम अभी इसने सुन ली तुमने सुन नहीं लिया था जब मेरे जब मैं बता रही थी मैंने पता को सुना था यहां खड़ी कहती मैंने इनके साथ प्रैंक कर रही है मैंने आगे नहीं सुना कि कौन सा प्रैंक कर रही है अब मेरे का कोई सुन नहीं रहा है प्रैंक कर रही है तो उसमें जब तक उसने चेन का कहा तो मुझे कान में आके बता दो मम्मा चेन का प्रैंक कर रही है क्यों सो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया कीप वॉचिंग अस ओनली ऑन ZS सब्सक्राइब करके जाना बहुत मार खा ली है व्लॉग्स व्लॉग्स We're